रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी ने आईपीएल 2021 के पहले चरण में लगभग सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने पहले चार मैच लगातार जीते और अधिकतर समय तालिका के शीर्ष पर ही बने रहे। लीग के दूसरे चरण में जाने तक आरसीबी सात मैचों में से पांच जीत के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। वो केवल तीन बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग और पिछले संस्करण की उपविजेता दिल्ली कैपिटल से पीछे है। वहीं सीएसके के भी आरसीबी के समान ही अंक है, लेकिन अपने बेहतर नेट रन रेट के आधार पर वो आगे है। वहीं टीम के लिए मध्यक्रम की जोड़ी ग्लेन मैक्सवेल और एफ डी विलियर्स ने खराब फॉर्म में चल रहे कप्तान विराट कोहली के खराब औसत के बावजूद टीम को हर बार मजदार से निकालने का काम किया। उन्होंने अभी तक अपनी धारा प्रवाह बल्लेबाजी का जलवा नहीं दिखाया है। मैं आपको बता दें कि पिछले सीजन में अपने स्ट्राइक रेट की कमी की वजह से शिकायतों के बाद देवदत्त पाटीकर आईपीएल 2021 में अब तक विस्फोटक कर रहे हैं। उनके नाम पहले से ही एक शतक दर्ज है, जो संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ आया था। वहीं आपको बता दें कि आरसीबी ने 21 अगस्त शनिवार को टीम में तीन नए बदलाव किए हैं। वहीं टीम में ऑलराउंडर बनिंदा हसरंगा और टीम डेविड को मध्य क्रम में मजबूती के लिए रखा है, तो वहीं दुष्मंता चमीरा को भी आरसीबी ने चुना है, जो न्यूजीलैंड के फिन एलन की जगह लेंगे। वहीं मोहम्मद सिराज और हर्षद पटेल के नेतृत्व में गेंदबाजी आक्रमण बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अभी तक तो इस सीजन का पर्पल कैप हर्षद पटेल के पास ही है, जिसने सात मैचों में 17 विकेट चटकाए हैं। वहीं अगर आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए आरसीबी की टीम पर एक नजर डाले तो उसमें विराट कोहली, देवदत्त पाटीकर, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, सुयश प्रभुदेसाई, पवन देशपांडे, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, डैनियल क्रिश्चियन, एफ डी विलियर्स, मोहम्मद अजहरुद्दीन, शिखर भरत, वनिंदा हसरंगा, दुष्मंत चमीरा, टिम डेविड, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, काइल जेमिसन, केन रिचर्डसन और वॉशिंगटन सुंदर होंगे। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए आरसीबी के मैच इन दिन में होंगे। पहला 20 सितंबर कोलकाता नाइट राइडर बनाम आरसीबी शाम 7:30 बजे अबुधाबी में होगा। वहीं उसका दूसरा मैच 24 सितंबर आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग 7:30 बजे शारजा में होगा। वहीं उनका तीसरा मैच आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस शाम 7:30 बजे दुबई में होगा। वहीं उनका चौथा मैच राजस्थान रॉयल बनाम आरसीबी, ये भी मैच 7:30 बजे दुबई में होगा। वहीं उनका पांचवा मैच आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स दोपहर 3:30 बजे शारजा में होगा। वहीं उनका छठा मैच आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 7:30 बजे अबुधाबी में होगा। वहीं उनका आखिरी और सातवां मैच आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स 7:30 बजे दुबई में होगा।